अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, क्यों वो हम कैलेंडर पर चलकर देख लेते हैं। ये है जी थर्सडे अक्टूबर 27। अगर हम आज डाटा और इवेंट वाइज देखें तो 5:15 PM पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं और उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी। अगर हम रेट की बात करें तो प्रीवियस ये 1.25% हैं और इस दफ़ा की फोरकास्ट 2% की है, यानी कि 75 BPS के रेट हाइक की फोरकास्ट है। 5:30 PM पर इसके साथ ही फौरन US के काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, जिनमें मेन नंबर्स रहेंगे GDP नंबर्स, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 2.3% के आसपास शो हो रही है, प्रीवियस ये -0.6% थे। तो अमूमन अगर ये नंबर हायर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं और अगर लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं और एक और मेन इवेंट जो हमारा रहेगा वो स्टार्ट होगा 5:45 PM पर, जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगी। तो इस दौरान भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, क्योंकि आज इवेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डाटा भी US का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपने इस टाइम ख्याल रखना है, बग़ैर SL के आपने ट्रेड नहीं करनी। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको फेसबुक और टेलीग्राम पर दे दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का चार्ट। अगर हम कल की बात करें, अगर हम H1 को ही ले लें तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था हमारा कल का, ये जो जोन था, इसी में अगर आप देखें तो मार्केट आपको कम अज़ कम H1 के लिहाज से 3 दफ़ा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपको दे चुकी है। चलें जी, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, हम आज की बात करते हैं। आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। आज का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है जी, ये वाला ओके हो गया जी। और जो स्पोर्ट रहेगा एरिया वो रहेगा हमारा ये वाला एरिया, स्पोर्ट एरिया रहेगा ये, बाकी मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ, ओके हो गया जी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा स्पोर्ट एरिया है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज होते हैं तो वो मैं आपको शाम की वीडियो में अपडेट कर देता हूँ। अगर आपको शाम की वीडियो का फ़ायदा है तो आप मुझे बता दें, मैं कोशिश किया करूँगा कि उसको अपडेट कर दिया करो। तो आज की रेजिस्टेंस एरिया है हमारा 1682 से 1684 का एरिया। अगर गोल्ड 1682 से 1684 का एरिया, ये जो एरिया मैंने मेंशन किया है, इसको ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1690, 1695 और 1700 के हाई आपको दिखा सकता है। याद रखिएगा कि 1700 का जो लेवल है वो हमारा वीकली रेजिस्टेंस एरिया भी है। ऑन अदर साइड अगर हम स्पोर्ट एरिया की बात करें तो आज का जो स्पोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा 1648। अगर गोल्ड 1648 ब्रेक करता है इस जोन को जो मैंने आपको ये, ठीक है जी, तो मार्केट आपकी दोबारा से 1638, 1630 और 1615-20 की तरफ फिर जा सकती है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।